जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया पे। और मेरे एक सब्सक्राइबर ने ये मुझे मैसेज किया है कि उनको नावी एप्लीकेशन की तरफ से एक अपडेट मिली है। हाय कस्टमर, योर नावी अकाउंट नंबर दिस EMI इज़ ओवर ड्यू। प्लीज़ नोट डैट वी हैव इंगेज्ड विद लैंडिंग सर्विस प्रोवाइडर्स विजय राज जिंदल एंड कंपनी एज रिकवरी एजेंट हु विल असिस्ट अस इन रिकवरी ऑफ ओवर ड्यू अमाउंट्स। द लिस्ट ऑफ LSP विद द पिन कोड ऑफ द एरिया दे वुड बी ऑपरेटिंग इज कैन बी एसेट। अब यहाँ पर इसका दोस्तों क्या मतलब है, ये नावी एप्लीकेशन वालों ने एक नई दोस्तों तकनीक निकाली है जिससे कि वो लोग आपसे लोन का रिकवरी कराना चाहेंगे। अब यहाँ पर आपके लोन की रिकवरी की जिम्मेदारी एक कंपनी को दे दी गई है, जिस कंपनी का यहाँ पर मेरे ख्याल से नाम लिखा हुआ विजय राज जिंदल एंड कंपनी। और आपके एरिया में उस कंपनी का नाम दोस्तों कुछ और भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सेम कंपनी हो, एरिया वाइज ये अलग अलग हो सकती है। अब अगर आप ये मैसेज देख के डर चुके हैं कि आपके साथ अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या लिया जाएगा इस एप्लीकेशन के द्वारा, और अगर आप भी इस एप्लीकेशन से लोन लेकर फंस चुके हैं तो ये वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। मैं पूरी से पूरी कोशिश करूँगा कि यहाँ पे आपको अब जितना भी आपके मन में डर है उसको ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि डरने वाली दोस्तों कोई भी बात है ही नहीं। और यहाँ पर आप लोग अगर हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इस नावी के जो मैसेज आ रहे हैं सभी को व्हाट्सएप पे उसकी सच्चाई के बारे में कि क्या सच है। तो यहाँ पर आपको दोस्तों यहाँ पे ध्यान ये देना है कि इस नावी एप्लीकेशन ने अब क्या किया है कि आपके लोन की रिकवरी की जिम्मेदारी किसी थर्ड पार्टी एजेंट को दे दी है। अब वो एजेंट आपके घर पर आके आपसे लोन रिकवरी के लिए बोलेगा। अब इस कंडीशन में आप लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं कि वो लोग एजेंट आएंगे, एजेंट आके क्या करेंगे नहीं करेंगे। तो मैं बता दूं कि RBI की जब से गाइडलाइंस आई है कि एजेंट आपके घर 7 बजे से लेकर सिर्फ और सिर्फ 7 बजे तक ही आ सकते हैं, सुबह 7 से लेकर शाम 7 तक, और आकर आपसे अच्छे से बात करेंगे, आपकी इमेज को बिल्कुल भी ख़राब करने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर ऐसा करते हैं या ऐसा करते हुए पकड़े जाए तो आप सिंपली उनका रिकॉर्डिंग कर लीजिए और रिकॉर्डिंग करके मेरे व्हाट्सएप पर आप लोग सेंड कर दीजिए। मेरा नंबर है 8780082240, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप लोग कॉल वगैरह नहीं कीजिएगा। कोई अगर इम्पोर्टेंट मैसेज आपको देना हो तो इस अब नंबर पे आप लोग दे सकते हैं। अगर आप लोग के साथ कोई भी गलत एप्लीकेशन वाले कर रहे हैं तो उसकी जानकारी आप इस नंबर पे प्रोवाइड बिल्कुल ही कर सकते हैं। मैं पूरी से पूरी कोशिश करूंगा कि उनके खिलाफ़ पूरी से पूरी कार्रवाई कैसे हो वो आपको असिस्ट कर सकूँ। और साथ में बता दूँ कि अगर ये एजेंट इन केस अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पर नहीं आए तो फिर उसके लिए आपको क्या स्टेप्स लेने होंगे। तो सबसे पहले देखिए कि आपने लिया है पर्सनल लोन, और पर्सनल लोन देती है कोई भी कंपनी अपने सिक्योरिटी पे, और यहाँ पर उसकी कोई भी गारंटी नहीं होती है। अगर आप लोग लोन का रिपेमेंट करने से फेल कर जाते हैं तो वो पैसा कंपनी को लॉस हो जाता है, और कंपनी चाहती है कि उसको कम से कम लॉस हो। इसी वजह से रिकवरी एजेंट आपके घर पर ये लोग अब भेजना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि नावी एप्लीकेशन अब बहुत बड़ी एप्लीकेशन बन चुकी है। 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन से अभी तक लोन ले लिया है और आगे भी कई लोग इससे लोन लेंगे ही लेंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर आप लोग भी इसका लोन नहीं देना चाहते हैं और इस रिकवरी एजेंट से भी बचना चाहते हैं तो इसके लिए आपको दोस्तों मैं बता रहा हूँ वो स्टेप अगर आप अपनाते हैं तो 95% ये स्टेप सक्सेसफुल होगा ही होगा। आपको यहाँ पर क्या करना है कि जिस नंबर पर ये मैसेज आया है या फिर जिस नंबर पर ये नावी एप्लीकेशन वाले आपको कॉल करके परेशान कर रहे हैं या फिर तंग कर रहे हैं, उस नंबर को आपको अननोन नंबर्स को कॉल नहीं उठाना है, या फिर अननोन नंबर्स की कॉल को फ़ोन के सेटिंग्स में जाके ब्लॉक कर देनी है। आपने बिल्कुल ही सही सुना, अगर आप लोग रिकवरी एजेंट नहीं चाहते हैं कि आपके घर पर आए, क्योंकि यहाँ पर आपका जो आधार का एड्रेस आपने वेरीफाई किया है उसी एड्रेस पर ये लोग आने की कोशिश करते हैं, और इन केस अगर आपसे कांटेक्ट नहीं हो पाता है तो बिना आपसे पूछे ये लोग आपके घर पे नहीं आ सकते। और इन केस अगर आपसे कांटेक्ट हो जाए तब तो फिर ये 100% है कि आपके घर पर आएंगे ही आएंगे। और जिनके घर पे पहले से रिकवरी एजेंट आते जाते हैं और उनको अब डर लगता है कि वो लोग बार बार बोलते होंगे कि पुलिस लेकर आ जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो आप लोग को उनको से कैसे डील करना है, आपको सिंपली उन लोगों से टाइम ले लेना है, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, आप जब आपके पास सहूलियत हो तब आप लोग उनको पेमेंट कीजिएगा। आप अपनी तरफ से पूरी क्लियर कर दीजिए कि जब आपके पास पेमेंट होगा तभी आपको पेमेंट करना है, वैसे आपको पेमेंट नहीं करना है। और सिंपली उन लोगों को यही बात अगर आप बोल देते हैं और अगर वो लोग नहीं मानते हैं, दोबारा आते हैं, तो फिर आप उस केस में रिकॉर्डिंग करके उनके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। आपके कहने के बावजूद भी आपके घर पे वो लोग दोबारा नहीं आ सकते, भले ही फिर आपने कितना भी लोन क्यों ना लिया हो, क्योंकि यहाँ पर सरकार ने उसको आपके घर पर नहीं भेजा है, किसी लीगल अथॉरिटी ने या कोर्ट ने
उस आदमी को आपके घर पे नहीं भेजा है, उसका आपके घर पे आने का कोई भी अधिकार नहीं बनता है। इन केस अगर आप मना करते हैं तो उस कंडीशन में मैं बात कर रहा हूँ, और अगर मना नहीं करते हैं तब तो वो लोग आ सकते हैं और आप लोग बातचीत करेंगे तब तो और ज़्यादा ही आएंगे। तो अननोन नंबर्स के कॉल को ब्लॉक रखिए और एकदम ही चिंता मुक्त हो जाइए। आपको साथ कुछ भी दोस्तों नहीं होगा, ना ही फ्यूचर में कोई लीगल एक्शन वगैरह होगा। सिर्फ और सिर्फ ये लोग क्या करते हैं तो आपके सिविल स्कोर को कम से कम करने की कोशिश करते हैं, ताकि इन फ्यूचर में आपको किसी भी तरह का पर्सनल लोन या फिर अनसिक्योर्ड लोन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। और इसके अलावा आपके साथ दोस्तों कोई भी ये लोग कार्रवाई वगैरह नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि रिकवरी एजेंट पुलिस लेकर आपके घर आएंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ इन लोगों की धमकी है और इनसे आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। तो इसी के साथ आप लोग अगर वीडियो को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।